हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको लहसुन का अचार के बारे में कि हम कैसे डालते हैं और हमारे को कैसे डालना चाहिए ताकि वो सालों साल तक ठीक रहे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही हो है कि लहसुन का अचार ही नहीं, केवल ये एक औषधि है, ये बहुत ही बड़ी औषधि है। तो हमारे को बरसात में और ठंड में तो ज़रूर ही इसका सेवन करना चाहिए। तो ये देखो, हमने जितना भी अचार डालना है उतना हमको लहसुन ले लेना चाहिए और मतलब इसकी कली कली निकाल के और इसका छिलका निकाल लेना चाहिए। अगर छिलका निकालने में आसानी ना हो तो आपको इसको मतलब थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा के तो आसानी से निकल जाता है। तो ये देखो, छिलका निकल गया जब, तब हमारे को इसके दो मतलब एक कली की दो दो कली मतलब कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी ढंग से अगर नमक वगैरह रच जाए तो ठीक रहता है। तो इसका हमारे को मतलब काट के, क्योंकि बड़ी बड़ी कली है और कोई बीच में ऐसा मतलब फंगस टाइप हो तो वो भी निकाल लेना चाहिए। तो उसके बाद हमारे को मतलब गैस के ऊपर मस्टर्ड ऑयल डालना चाहिए और उसको इतनी देर हमारे को गर्म करना है ताकि इसमें जब धुआं निकलना शुरू हो जाए उस टाइम हमारे को लहसुन डालना है। तो ये खूब गर्म हो चुका है और हमारा तेल, और अब हमने इसमें जो हमने छिला हुआ लहसुन है उसको इसमें डाल लेना चाहिए। ये देखो, तो इसमें डाल दिया और अब हमने हल्दी मतलब 2 स्पून हल्दी के, और हमारे को नमक ये सफ़ेद वाला नमक है, और मतलब मेथी दाना, इसको हमारे को हिलाते रहना है। मतलब फ्लेम हमारे को गैस की फ्लेम बहुत कम करनी चाहिए और इसको हिलाते रहे। और ये है मीठी सौंफ, और ये देखो मीठी सौंफ है, और क्योंकि इससे हमारे एक तो पाचन शक्ति ठीक रहती है और दूसरा ये अजवाइन है, इसमें अजवाइन, और ये मैंने राई है ना, राई को इसको पीस लिया, पीस के पहले ही रख लिया है। तो इसमें राई जो चार को, ये काला नमक है, राई चार को ख़राब नहीं करती, कोई भी अचार हो ना। और ये देगी मिर्च, मतलब जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है उसी के हिसाब से मसाले। ये मैंने गर्म मसाला, जीरा और काली मिर्च इसमें पहले ही पीस के रखी हुई है। तो ये देखो, अब हमारे को इसको हिलाते रहना है इतनी देर ताकि ये इसके अंदर मतलब नमक और जो मसाले हैं ना हमारे, इस सारे के सारे इसमें मतलब रच जाए अंदर तक। और क्योंकि अगर हमने जल्दी खाना हो ना एक दो दिन बाद, तो हमारे को इसको थोड़ी सी देर गैस के ऊपर रख लेना चाहिए। अगर हमारे को कुछ 15-20 दिन के बाद खाना हो तो हमारे को धूप में रखना चाहिए इसको, मतलब धूप लगानी चाहिए डेली। तो अब ये तो मैंने थोड़ी देर ज़्यादा, तो अब मैंने विनेगर डाला इसमें। आप चाहो तो आप संतरे का, ये तो सेब का है, अगर संतरे का हो तो आप संतरे का भी डाल सकते हैं, और नींबू का हो तो नींबू का भी डाल सकते हैं। तो ये तो सेब का रखा हुआ है, तो इससे एक तो ख़राब नहीं होगा और दूसरा इसमें मतलब खटास होगी, तो कुछ मतलब ज़्यादा खटास तो नहीं होगी पर कुछ ना कुछ खटास होगी इसमें, और ये अचार को ख़राब भी नहीं करेगा। तो ये देखो, हमारा अब लहसुन का अचार तैयार हो चुका है। तो अब हमने जार को बिल्कुल ठीक ढंग से मतलब धो के और सुखा के रखना चाहिए ताकि इसमें मॉइस्चर नहीं हो, अगर मॉइस्चर होगा तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है, और हम बिल्कुल सूखा होगा तो हमारा अचार ठीक रहेगा। तो ये देखो, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी हुई है और हमारा अचार खाने को बिल्कुल रेडी है। आप इसको अभी भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने मतलब गैस के ऊपर थोड़ी देर पका लिया है इसको। तो हमारा अचार बनके तैयार हो चुका है। तो अगर
आपको मेरी ये देखो। और इसको हम खासकर हमारे को ढक्कन इतने मतलब ठीक ढंग से लगाना ताकि इसमें मॉइस्चर न जाए। अब आप इसको सालों साल रख सकते हो। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। जरूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना और बताना कि आप भी ऐसे डालते हो अचार, और बरसात में जरूर अचार खाना। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहना और मस्त रहना।